नमस्कार साथियों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अदालत व कचहरी की ईंट ईंट पैसा मांगती है इस कहावत के बारे में। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस श्री एस एन धींगरा साहब ने अपने जजमेंट में कमलजीत सिंह वर्सेज स्टेट 2007 में ये बात कही थी। दोस्तों, इस बात को कहने के पीछे तर्क ये था कि कभी भी कोई व्यक्ति जब अदालत में कोई केस लेके जाता है तो उसके इतने अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं कि वो इन पैसों को देते देखते तंग आ जाता है और जब तक केस का पूरा फैसला आता है तब तक वो काफ़ी कुछ खर्च कर चुका होता है। तो इसलिए दोस्तों ये कहावत कही गई है कि अदालत व कचहरी की ईंट ईंट पैसा मांगती है। दोस्तों, मसलन जब कोई व्यक्ति केस लेके जाता है तो केस फाइलिंग से लेके और जब तक केस का जजमेंट आता है उस व्यक्ति के काफ़ी पैसे खर्च हो चुके होते हैं, जैसे कि फोटो स्टेट, अटेस्टेशन, कोर्ट फीस, स्टैम्प ड्यूटी, या फिर इसके अलावा कभी कोई जुर्माना लग गया या कोई फाइन लग गया या फिर कोई अन्य खर्चा जो वकील द्वारा मांग लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से उस व्यक्ति के काफ़ी खर्चे हो जाते हैं किसी केस में। ये जो कहावत कही गई थी दोस्तों, ये 2007 में कंवलजीत सिंह वर्सेज स्टेट के केस में कही गई थी। इस केस में दोस्तों हुआ क्या था कि एक मुरारी नाम का व्यक्ति 1988 में 498A का केस लड़ रहा था और उस केस के दौरान उस व्यक्ति के ऊपर में निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट ने 5,000 रुपये का फाइन लगाया था, जिसके खिलाफ वो अपील में जाता है और अपील में वो 5,000 रुपये उसके माफ़ हो जाते हैं और वो केस जीत जाता है। दोस्तों, इस केस में वो 5,000 रुपये जो रिफ़ंड किए जाते हैं वो ट्रायल कोर्ट से रिफ़ंड के ऑर्डर पास किए जाते हैं और जब वो ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति जाता है तो उस कोर्ट का जो अहलमद या जो स्टाफ है वो व्यक्ति उसको 5,000 रुपये दिलवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड करता है। जब वो व्यक्ति पहले से ही तंग हो चुका था और उसके बाद जब उससे रिश्वत मांगी गई तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ये शिकायत एंटी करप्शन में डाल दी और एंटी करप्शन की टीम को लेके उसने रंगे हाथ रिश्वत देते हुए उस स्टाफ को पकड़वा दिया। दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जब वो रेड डाली गई उस समय उस स्टाफ के साथ में एक आउटसाइडर भी बैठा था जो कि एक तथाकथित दलाल की भूमिका अदा कर रहा था। दोस्तों, दोनों की तलाशी के दौरान वो रिश्वत की रकम वहाँ से बरामद हो गई और उन दोनों के ऊपर मुकदमा हो गया। दोस्तों, उन दोनों को मुकदमे में नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद में जब वो अपील में जाते हैं हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट भी निचली कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करती है। और साथ में दोस्तों, इस केस में एक नई चीज़ आती है, वो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि ये माना जाता है कि सरकारी मुलाजिम या सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही लग सकता है, ऐसा नहीं है। इस केस में जज साहब ने ये बात कही कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर भी लग सकता है। दोस्तों, इस केस के जजमेंट में जज साहब ने एक बात ये भी कही थी कि बहुत ही कम मुकदमे ऐसे होते हैं जो रिश्वत के मामले में पकड़े जाते हैं और वो फिर सज़ा उनको होती है। इस केस में भी दोस्तों, जो मुरारी लाल नामक व्यक्ति है वो गवाही के दौरान में मुकर गया था लेकिन उसकी गवाही को कोर्ट ने अहमियत नहीं दी और सरकमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर में सज़ा बरकरार रखी। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अदालत जो है उसमें ईंट ईंट पैसा मांगती है, यानी कि उसमें आने के बाद में व्यक्ति को काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों, अदालत ईंट ईंट पैसा मांगती है इस बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।